बुसरा पट्टी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बदहाली व्यवस्था को लेकर पट्टी के लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि पट्टी सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर की जगह वार्ड बॉय इलाज करते हैं, यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, मरीज का इलाज की जगह जीवन खतरे में दिखाई पड़ता है। वही यहाँ की जनता का कहना है कि सही इलाज न होने के कारण हम लोगों को तिरवा दौड़ना पड़ता है। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का कहना है कि अगर अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कन्नौज से अमित प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी, यहाँ तिलसरा, सिंगापुर और तमाम गांव के लोगों ने कई बार मुझसे कहा कि जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, हमें इलाज के लिए तिरवा जाना पड़ता है। आप सबसे इन सबके अनुरोध पर मैं आज यहाँ आया और देखा यहाँ वास्तविक डॉक्टर नहीं आते हैं। इन लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग आए हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरने पे बैठे थे और बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से बदहाल हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी करते हैं और उन्हें चलवाना भी जानते हैं। इसलिए आज मैं माननीय आदरणीय सीमो साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, इस पट्टी स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त कर दी जाए, वरना वही आप आके आपका घेराव करेंगे। क्योंकि ये समस्या हमारी नहीं, ये समस्या जन समस्या है और आप जनता के नौकर हैं, ये अलग की बात है। सम्मान में हम लोग आपको धरती का भगवान कहते हैं, इसके लिए आप अपने को भगवान समझिए, अच्छी बात है, लेकिन जो सम्मान देता है उसी को सम्मान मिलता है। सम्मान देने वाला काम करो, निश्चित रूप से ये आपको भगवान समझेंगे, और नहीं तो फिर आपको बंधक भी बनाएंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार भी होगा। क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप तनख्वाह लेते हैं, आप जनता के सेवक हैं, ये काम नहीं करेंगे तो हम समाजवादी लोग अन्याय के खिलाफ, जब तक इस जिस्म में खून का कतरा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।